पहले गिप्पी बताओ। मैं तो जी सेकंड हैंड हस्बैंड ही हूँ फिल्म में, तो फिल्म में थोड़ा सटल रोल ही है मेरा। इनका होटल है जिसमें मैं फ्रंट डेस्क मैनेजर हूँ। अपनी बीवी से तो एलिमनी से छुटकारा चाहता हूँ एंड बीवी को एडवाइस करता हूँ कि तू कहीं शादी कर ले। तो अब शादी करने के लिए उसको आगे लड़का चाहिए, सो उसमें मैं हेल्प कर रहा हूँ। फिल्म में बेसिकली ये है कि मैं अपनी बीवी के लिए रिश्ते ढूंढ रहा हूँ, सो ये मेरा किरदार है जी। मेरा किरदार बहुत गर्व है। आप लोगों ने मुझे टाइटल दे दिया ना, गरम धर्म ही मैन, तो इस फिल्म में एक्स्ट्रा गरम 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 हो गया। पहली बार गोविंदा जी की बेटी दिखाई देने वाली है टीना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस था उसके साथ काम करने का? शी इज वेरी फाइन गर्ल, वेरी गोविंदा मेरा एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत है। She's a nice girl, very good girl, very talented girl. वो ज्यादा सीन्स इनके साथ हैं, she's opposite Gippy. जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी फिल्म है जो बेसिकली एक इंटेलिजेंट ह्यूमर की फिल्म है, टाइमिंग की फिल्म थी। एंड पाजी को तो देख देख के हम बड़े हुए हैं इनकी फिल्में, अगर चुपके चुपके अगर कॉमेडी जितनी भी फिल्में की बात कर लो, सो हर बंदे की टाइमिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सीन कॉमेडी सीन ऐसे होता है कि अगर एक भी बंदा बीच में ड्रॉप हो गया तो समझो सीन गया। बट मुझे लगता है कि टीना शायद घर से थोड़ी बहुत ही टिप्स लेके आई थी या प्रिपेयर होके आई थी इसका फिल्म के लिए, सो बहुत अच्छी तैयारी करके आई थी और मुझे लगता है अच्छा लगेगा सबको। धर्म जी अगर बात करें गिप्पी जिनबी का, कि आपकी कॉमेडी मूवी जैसे चुपके चुपके थी, बे चुपके चुपके प्रतिज्ञा या नौकर गिप्पी का, इन सब में आपकी कॉमिक टाइम बहुत बढ़िया थी, लेकिन अब जिस तरीके की कॉमेडी मूवीज बन रही है, आपको क्या लगता है जो लेवल है कॉमेडी का वो आज कहाँ है? इस फिल्म में मेरा लेवल और उठेगा। जो ओवरऑल कॉमेडी का है, जो जॉनर का, आपको क्या लगता है लेवल अब किस तरह का है, कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या लगता है? अभी बाकियों के बारे में क्या बात करूं, आज तो सेकंड हैंड हस्बैंड की बात करेंगे, बाकी को जब मैं कोई मौका लगेगा फिर उनके बारे में तबसरा करेंगे। आजकल वैसे अच्छी फिल्में बना रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से ट्रू स्टोरी पिकअप कर रहे हैं, और ट्रू कोई बात ट्रू हो तो दिल को छू जाती है भाई, और मेरे ख्याल से अच्छी फिल्में बना रहे हैं, कॉमेडी की भी और विक्की डोनर ये वो तनु वेड्स मनु एंड मनु वेड्स तनु सारा कुछ। शी इज डूइंग सो वेल, सो दिल धड़कने दो मन फड़कने दो सब चल रहा है। सेक्स कॉमेडी पे ज्यादा बन रहा है, सेक्स कॉमेडी पे वो जॉनर में ज्यादा। इधर आ जा बच्चे, क्योंकि मैं फिर कैमरे को फेस नहीं कर सकूंगा, क्योंकि एक्टर कैमरा जरूर फेस करते हैं। मैंने समीप गंग के साथ एक पंजाबी पिक्चर की थी रिसेंटली, डबल द ट्रबल, उसमें गिप्पी माय वर्किंग विद दैट डायरेक्टर। मुझे क्या है कि वो जो बहुत जीनियस टाइप के लोग होते हैं ना, उनसे थोड़ी एलर्जी है, और हमारे दो फिल्में हिट होती हैं तो लोगों को एलर्जी हो जाती है, लेकिन इसको नहीं हुई, तो मैंने सोचा इसके साथ फिल्में बनाई जाए, क्योंकि एलर्जी होगी तो मुझे भी होगी। सो ही इज ए नाइस पर्सन, नाइस डायरेक्टर, एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग सम गुड स्क्रिप्ट। उसने कहा पाजी एक कहानी है सेकेंड हैंड हस्बैंड, तो मैंने कहा मेरा रोल क्या? कहता जी आप फ्लैट नंबर 1 है इसमें। मैंने कहा डन। मुझे करने में इसमें बड़ा एफर्टलेस रोल है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पाजी को आपने देखा, क्योंकि जल्दी जल्दी धर्म पाजी किसी फिल्म के लिए यस नहीं बोलते, इनको होता है कि क्या है। अच्छा कई लोग होते हैं कि उनको जाके उनका रोल सुनाओ तो वो अपना रोल सुन के कहते हैं कि ये चीज ठीक है मैं डन, इनको होता है कि पूरी स्क्रिप्ट सुनाओ पहले, बना के आ रहे हैं कुछ अच्छा भी है या कुछ खराब है,
सो ये जब स्क्रिप्ट इनके पास गई थी, जो मैं और समीप थे, समीप कहता कि पाजी के साथ डिस्कस करेंगे, हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये यस बोलेंगे कि ये फिल्म हमने, क्योंकि मेरी भी एंट्री थी बॉलीवुड में, तो हम सोच रहे थे कि अगर कोई फिल्म लेके आए तो इंटेलिजेंट ह्यूमर, सेंसिबल फिल्म लेके आए, ऐसा ना हो कि बहुत लाउड कोई चीज ऐसे लेके आए कि लोग कहें कि जबरदस्ती हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज भी हो फिल्म में, एक अच्छी ह्यूमरस कॉमेडी हो। सो ये अच्छा प्लॉट था, तो गए तो डन। मैं इतना कहूंगा, फिल्म देखने के बाद मर्दों को तो लगेगा यार ये हम भी, और लेडीज को लगेगा यार क्या स्टाइल है बंदे का, ऐसे को तो फंस जाना चाहिए। और उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं, कुछ नहीं, बड़ी साफ सुथरी कॉमेडी है। और अब ये सोचो कि फ्लड आदमी जब रंगे हाथों पकड़ा जाए वाइफ से तो उसके क्या होगा, तो कहानी का वो नशा बहुत आ गया। कई सीन जैसे आते हैं कैसे मैं मनाता हूँ, और मनाने के बाद हैबिट नेवर डाइज। रियल लाइफ की अगर बात करें तो फ्लड, ये मतलब अपने दौर की, अगर आपके दौर की हम बात करें, फ्लड नहीं, मैं तरीके से मतलब इंप्रेशन मेरा क्या था, मेरा जिंदगी में मैं हर किसी से प्यार करता हूँ। कोई सीरीज ले लेते हैं उसको, फिर मुझे भी सीरीज लेना पड़ता है। लेकिन इट्स गुड टू लव, लव बिगेट्स लव डार्लिंग, मोहब्बत है आपस में, जरूरी नहीं इससे इश्क या हो, हर तरह की मोहब्बत में एक आनंद है। माँ बाप से भी प्यार है, उस खुदा से प्यार है, उसमें एक, एक, एक नशा है। मैं बड़ा लकी हूँ कि मेरे वक्त ही हर हिरन कहती थी कि धर्म जी के साथ काम करना है, इससे बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहता, और ये मेरे यहाँ नहीं गई, यहाँ रह गई। मैं सर झुका के चलता हूँ, जमी कदम पे टिका के चलता हूँ, लेकिन सीना तान के चलता हूँ। धर्म जी आपसे जानना चाहता, अपने साफ सुथरी कॉमेडी की अगर बात की है तो वी आर ऑल अमेजिंग आर थ्री डेज, थ्री डैशिंग डेज, जिन्हें यमला पगला दीवाना हमने लास्ट टाइम देखा, हमने ऐसा सुना कि इश्क दे मारे करके एक मूवी आ रही है, कि अब कब आ रही है वो, कब हम तीन डेज एक साथ देखेंगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ यार, हम नहीं उसका रिएक्शन देखने चले गए तो बड़ी इमोशनल पिक्चर थी स्पोर्ट्स पे, तो सब मैं करीब थ्रू आउट द पिक्चर ऐसे सीक्वेंस से रोते थे लोग, तो हम इंटरव्यू ने पूछा कैसी लगी पिक्चर आपको, बोला आपने रुलाया बहुत है जी, तो मैं यूं ही कह बैठा कि आपको अगली फिल्म में हम हंसाएंगे बहुत। तो लकीली यमला पगला वन की स्टोरी मिल गई, अच्छी कहानी थी, चल भी गई, अच्छी गई। और दूसरी फिर हमने, क्योंकि सीक्वल का सीक्वल लोगों को ये कर लो, मैं तो इतने फेवर में भी नहीं था कि सीक्वल चल जाते हैं वो हो जाता है और फला ये वहाँ, तो वो नहीं चली। तो स्क्रिप्ट बहुत टाइट होनी चाहिए, मतलब खाम खा की लूज स्क्रिप्ट, लोग कहते हैं बोर मत करो यार। इश्क के मारे मतलब मूवी आ रही है नहीं आ रही है? इश्क के मारे पे काम काम चल रहा है जी। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर। आज के सबके साथ करना चाहता हूँ, नहीं रियली है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, मैं जब उनकी फोटो देखता हूँ और आज की ड्रेसेस देखता हूँ तो हाय रब्बा, मेरे जमाने से क्यों नहीं सीखी है, तो अच्छी हैं, देर लुक गुड, देर नाइस, वेरी, तो हॉलीवुड का मुकाबला करती हैं। और सेक्स कॉमेडी की बात करें, अगर आपको कभी कोई स्क्रिप्ट ऐसी आई कि अप्रोच हुए कि सेक्स कॉमेडी करने के लिए, हाउ गॉट यू, आर यू रेडी फॉर इट? सेक्स कॉमेडी, सेक्स कॉमेडी, हाँ, आप देखते कैसे उसको? अगर एक सेक्स में भी पर्दा होता है, हमारे वक्त की हीरोइंस यहाँ तक ब्लाउज पहनती थी, गद्दाज बदन, साड़ी, बिंदी, माथा, तो हम लोग सोचते रहते थे यार इस साड़ी के अंदर ये कैसी होंगी।
यू कैन इमेजिन, पर्दे में भी अपना नशा है, पर्दे में भी खूबसूरती है, पर्दे में भी सेक्स है बेटे, ऐसा नहीं कि पर्दे, लेकिन बेपर्दगी में आहिस्ता आहिस्ता लगता है यार हटाओ यार ये हमको, आई डोंट क्रिटिसाइज, बट मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि मुझे ये जो फेमिनिन, ये जो हमारी है पौध